हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। अभी सुबह के 11:30 बज चुके हैं गाइस, और मैं नहा धो कर रेडी भी हो गया हूँ, खाना भी खा लिया हूँ। और आज है 30 अगस्त। 30 अगस्त के दिन जो रक्षाबंधन पड़ रहा है, तो रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ, और मेरी तरफ से बहनों को, जितने भी बहनें हैं उन सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ। और आज के दिन जो है ना, सावन का महीना भी ख़त्म हो रहा है, तो आज मैं बहुत दिनों के बाद जो है ना आज ब्लॉगिंग वीडियोज बना रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले 4 से 5 महीने में एक भी वीडियोज नहीं बनाया, क्योंकि मेरे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिस वजह से मैं वीडियोज नहीं बना रहा था। लेकिन अब आने वाले समय में और भी ज़्यादा नॉलेजबल, इंटरेस्टिंग और ट्रेवलिंग वीडियोज आएंगी, बस आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत होगी। और आज का वीडियोज बनाने का मकसद क्या है, आज का वीडियोज बनाने का मकसद यही है कि होंडा के प्लांट के आसपास क्या क्या चीज़ें हैं, कैसा यहाँ पे सब लोग रहते हैं, कैसी सड़कें हैं, कैसा नज़ारा है, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारी वीडियोज में। और मैं फाइनली जो है ना हाईवे किनारे आ गया हूँ, यह बिरमगाम बेचरा जी वाला हाईवे है, और जिस पर गाड़ियाँ हमेशा चलती रहती हैं। और आगे आज वेडिंग भी पड़ती है, तो आज वेडिंग की तरफ भी लेके चलेंगे। और देखिए भाई साहब, इधर से गाड़ियाँ सब आती हैं जाती हैं, हमेशा चलती रहता है। अभी सीधा चलते हैं आज वेडिंग की तरफ। देखिए भाई साहब, यहाँ पे आज बिल्डिंग के पास एक पोस्टर भी लगा हुआ है, जहाँ पे कुछ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, गुजराती में भी लिखा हुआ है, तो गुजराती में मेरे को समझ भी नहीं आता है। और ये है आज बिल्डिंग, चलिए दिखाते हैं आज बिल्डिंग का नज़ारा। तो भाई साहब, ये आज बिल्डिंग्स है। फर्स्ट फ्लोर जो है ना बिजनेस क्लास के लिए होता है, सेकेंड और थर्ड फ्लोर जो है रहने के लिए होता है। बहुत मस्त वाली बिल्डिंग है भाई साहब। और बिल्डिंग के जस्ट सामने जो है ना, यहाँ पे सीमेंटेड नहर है पतली सी, तो नहर है कि नाला है मेरे को समझ में नहीं आता, क्योंकि इसमें पानी नहीं रहता है। और इसका ऊपर वाला भाग जो है, यहाँ पे सब टाइल्स भी लगा हुआ है, यहाँ पे फूल पत्ती सब लगी हुई है, एकदम मजेदार वाला, मस्त वाला भाई साहब। और आज बिल्डिंग के जस्ट पास में इधर जो है ना सब खेत है, जहाँ पे यहाँ पे गुजरात की महिलाएं भी आती है घास उस कटने के लिए, क्योंकि ये ग्रामीण एरिया है भाई साहब ना, तो ऐसा ही कुछ नज़ारा दिखता है यहाँ पे। अभी सीधा चलते हैं आज बिल्डिंग के अभी दूसरे तरफ। ये पूरा आज बिल्डिंग का नज़ारा है भाई साहब, यहाँ का पूरा एरिया जो है देख रहे हैं कितना मस्त है, एकदम हरा भरा भी दिखाई रहा है, फूल पत्ती सब लगे हुए हैं। आप लोग आज बिल्डिंग के पास जो है ना गोवर्धन थाल नामक का रेस्टोरेंट भी दिखाई दे रहा होगा, जो ऊपर है दूसरे फ्लोर पे। और इधर सब गाड़ियाँ पार्किंग भी में भी लगी हुई हैं, तो आज बिल्डिंग का कुछ इस तरीके का नज़ारा है भाई साहब। नज़ारा आप लोग देख लिए होंगे। अब चलते हैं हम होंडा प्लांट की तरफ, क्योंकि होंडा प्लांट भी दिखाना है आप लोगों को और करना पड़ेगा। यहाँ पे जल निगम का जो है ना, इसके नीचे पाइपलाइन भी बिछाया हुआ है, जहाँ पे यहाँ पे रिस रिस कर जो पानी गिरता है, तो यहाँ पे इन लोगों ने टंकी भी लगा रखा है, लेकिन अभी जो पानी नहीं आ रहा है। यहाँ पे छोटा सा ढाबा भी है जो दिखाई दे रहा होगा, झोपड़ी में बना हुआ। और यहाँ पे जो ना लॉजिस्टिक एरिया, जहाँ पे कंपनियों का सब सामान वगैरह रखा जाता है, तो अभी चलते हैं हम और आगे। मैप में देखे होंगे होंडा का बिठलापुर वाला प्लांट, तो उसके आसपास जो है ना एक पेट्रोल पंप दिखाई देता है, भारत पेट्रोलियम का, तो ये वही वाला पेट्रोल पंप है भाई साहब। तो अभी हम सीधा चलते हैं होंडा प्लांट की तरफ, तो मेरे को फिर से जो है ना ये सड़क पार करना पड़ेगा, तभी कुछ गाड़ियाँ आ रही हैं, तो गाड़ियों को थोड़ा देख लेते हैं, गाड़ियाँ चली जाएंगी, उसके बाद मैं रोड पार करूँगा। देखिए भाई साहब, यहाँ पे धर्म कांटा भी है दिखाई दे रहा हूँ, यहाँ पे ये धर्म कांटा है, यहाँ पे गाड़ियाँ उड़ियाँ सब कांटा वाटा होती है। तो मैं फाइनली जो है ना होंडा प्लांट के बाहर जो है ना आ गया हूँ। देखिए होंडा प्लांट के बाहर का नज़ारा है, देख रहे हैं ना इधर होंडा भी लिखा हुआ वहाँ पे। और एक फिल्म बहुत ज़्यादा सुर्खियों में थी, जिसका नाम था गदर 2, जो गदर 2 का जो है सिनेमा जो इसमें लगा था, जो यहाँ पे पोस्टर भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है, गदर 2 का दिख रहा है। अभी चलेंगे उस बिल्डिंग की तरफ, जो बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हैं ना, वहाँ पे चलेंगे, वहाँ पे दिखाएंगे आप लोगों को। और ये जो बाउंड्री जो दिख रहे हैं ना, होंडा की बाउंड्री है, जो ऊपर जो सब कांटेदार सब तार लगे हुए हैं, वहाँ पर लाइट भी लगी हुई देख रहे हैं। ये बड़ी सी कॉम्प्लेक्स की तरह दिखाई देने वाली बिल्डिंग्स है भाई साहब।
और यहाँ पे सब सीमेंटेड ईंट भी लगे हुए दिख रहे हैं ना, रंग बिरंगे। अभी तो थोड़ा खाली खाली दिखाई दे रहा है, जब फिल्म यहाँ पे लगी थी ना गदर टू, तो यहाँ पर पूरा ये दिख रहे हैं ना एरिया पूरा भरा था। यहाँ पे सब गाड़ियाँ खड़ी थी, यहाँ पे दो चक्के गाड़ी खड़े थे और सब एकदम भरा हुआ था। यहाँ पे एक मशीन भी खड़ी है जो गिट्टी बालू सीमेंट को जो मिक्सिंग करने वाली मशीन है, और वो पास में जो मंदिर है और उसके पीछे जो ट्रांसफार्मर है जो बिजली की सप्लाई जो है ना इस पूरे बिल्डिंग्स में देता है। देख रहे हैं कितने बड़ी सी बिल्डिंग्स हैं, इसमें सुविधाएं क्या क्या है वो चीज़ें मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। तो देखिए भाई साहब, यहाँ पे जिम की भी सुविधा है जो दो लिखा हुआ है द पावर जिम, और इसमें मॉल की भी सुविधा है। इस बिल्डिंग का नाम जो है ना LMG है, और देखिए LMG के फैशन के नाम से जो है यहाँ पे नीचे कपड़े का भी जो है ना कुछ दुकान है। अभी चलते हैं इस बिल्डिंग की तरफ, और इसके किनारे किनारे जो भाई साहब ये फूल पत्ती सब लगे हुए हैं देख रहे हैं ना। तो चलते हैं बिल्डिंग के अंदर, एकदम हवादार वाला जो है ना बना है यहाँ पे बिल्डिंग्स, हवादार जगह पे। देखिए गदर टू का पोस्टर जो है यहाँ पर भी लगा हुआ है। बड़ी सी बिल्डिंग है भाई साहब, और इसमें लिफ्ट की भी सुविधा है। अगर एक बिल्डिंग से दूसरे एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाना चाहता है ना, तो इसमें लिफ्ट की भी सुविधा है भाई साहब। देख रहे हैं ना कितनी बड़ी सी बिल्डिंग है, ऊपर जो पतरा भी लगा हुआ है, एकदम कॉम्प्लेक्स की तरह दिखाई देने वाली बिल्डिंग। अब चलते हैं दूसरे तरफ। यहाँ भी मॉल की सुविधा है जहाँ पे सब खाने पीने का सामान मिलता है। देखिए सब टाइल्स उल्स लगा हुआ है भाई साहब, एकदम रूम झकास है, एकदम मस्त वाला। देख रहे हैं ना कितना कितना ऊंचा तक जो ऊपर बना हुआ है। अब चलते हैं दूसरे तरफ, मैं आप लोग को हुंडा प्लांट की तरफ ले चलूंगा, क्योंकि मैं बोला था हुंडा प्लांट का भी दिखाने का लिए। अभी चलते हैं हुंडा प्लांट की तरफ। प्लांट के बाहर का नज़ारा देख रहे हैं ना, यहाँ पे टावर भी लगे हुए हैं, यहाँ पे लाइटें भी लगी हुई हैं, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं। वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड के जवान रहते हैं तो अभी नहीं है। और इधर देखिए दो दो टावर लगे हुए हैं यहाँ पे, और वहाँ पे दुकानें भी लगी हुई हैं। देखिए भाई सब, ये 4 नंबर गेट है, यहाँ से एम्प्लॉय जो है ना पैदल जाते हैं। और ये पास में नहर है भाई साहब, हुंडा प्लांट के पास में ही ये बाउंड्री आप लोगों को दिखाई देगी, क्योंकि भीतर जाने की तो इजाज़त नहीं होती, तो मैं बाहर से ही दिखा सकता हूँ। देख सकते हैं पास में नहर है यहाँ पे, यहाँ पे पेड़ पौधे सब लगे हुए हैं। अभी चलते हैं दूसरे तरफ। दुकानें वकानें सब लगे हुए दिख रहे हैं। देखिए भाई साहब, आप लोगों को तो हुंडा प्लांट का वीडियोज दिखाई दिए होंगे, और मैं वीडियोज नहीं बना पाया ज़्यादातर, क्योंकि बोल रहा था कि जो वीडियोज नहीं बनाना है यहाँ का गेट वोट का वीडियोज नहीं बनाना है, तो मैं फिर वापस अपने रूम की तरफ जा रहा हूँ। और इधर आगे आप लोगों को दिखा देते हूँ कि कितने सब ट्रक खड़े हुए हैं। देखिए भाई साहब, यहाँ पे ये सब इतना सब ट्रक खड़े हुए हैं, क्योंकि इसमें जो है ना सब हुंडा की बाइक जो है ना, हुंडा की जो स्कूटी होती है वो सब भर के जाती है। देखिए यहाँ पे एकदम कितने की संख्या में जो यहाँ पे एकदम खड़े हुए हैं। ये सीमेंटेड जो है ना रोड है भाई साहब, और सीमेंटेड रोड पर जो है सब खड़े हुए हैं।